उनके वंश के वंश खत्म कर दिए, उनका साम्राज्य खत्म कर दिया। और दोस्तों यहां पर जब हमने कुछ लोगों से बातचीत की तो हमें यह भी पता लगा कि आज भी उन पालीवाल ब्राह्मणों का काफी सारा खुफिया खजाना इस पूरे हिस्से में दबा हुआ है। लेकिन अब आपके दिमाग में यह विचार आएगा कि उस खजाने को निकाल कर क्यों ना अपनी संपत्ति को बढ़ा लिया जाए। लेकिन एक प्राचीन पुरानी विख्यात कहावत के अनुसार ये कहा जाता है कि ब्राह्मणों को आप दक्षिणा देते हो, यदि ब्राह्मणों की छुटी हुई किसी भी चीज को आप भोगते हो तो उसकी भरपाई जिंदगी भर नहीं होती है। और ऐसा ही काम किया था यहां पर एक विदेशी टीम ने। उन्होंने यहां पर मेटल डिटेक्टर की मशीन से काफी सारे कुछ चीजों को, खंडरों को निकाला था और उन खंडरों के अंदर से उस खजाने की खोज भी की थी जो आज भी यहां पर दफन है। और जिन भी लोगों ने चोरी के उद्देश्य से, लालच के उद्देश्य से यहां पे खुदाई करी, उन लोगों को दोस्तों ऐसा काम उनकी जिंदगी में हुआ कि उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। तो कुल धरा का ये गांव अपनी उन घटनाओं के लिए जाना जाता है। अभी हम थोड़ा सा वक्त और इन खंडरों के अंदर बिताने वाले हैं। और ऐसा कहा जाता है कि रात के वक्त आप इस स्थान पर ना तो आ सकते हो और यहां पर ना तो रुक सकते हो। लोग ऐसा कहते हैं कि यहां पर आपको रोने की, चिल्लाने की, बिलकने की आवाजें आती हैं। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि यहां पर उन्होंने भूत, प्रेत, चुड़ैल इनको भी देखा है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि यहां पर उन्होंने कुछ ऐसी घटनाएं देखी हैं जो उनको अंदर तक झकझोर के रख देती हैं और उसके बाद में इनकी हिम्मत नहीं होती है कि कुल धरा के इस हिस्से में वो आए और अपना वक्त बिताएं। काफी शांति है यहां पे, लेकिन इस शांति के अंदर ऐसी अनहोनी, ऐसे श्राप, ऐसे अशुभ चिन्ह छुपे हुए हैं जिनकी वजह से लोग यहां पे रात तो रात, दिन में भी कदम रखने से डरते हैं। थोड़ा और इन खंडरों को देखते हैं दोस्तों। इनकी दीवारों को देखकर ऐसा लगता है कि बेजान, बेजोड़ और अदृश्य कहानियां इसके अंदर आज भी छुपी हुई है। और उन्हीं कहानियों का एक सार्थक ये बनता है जिससे हम इस बात के काफी नजदीक आ जाएंगे कि एक श्राप ने, या ये कहें एक ब्राह्मण परिवार के समुदाय के श्राप ने इस पूरे हिस्से को उजाड़ दिया। उजाड़ा तो अलग बात, यहां पे भविष्य में कोई ना बस पाए ऐसा श्राप देकर वो चले गए। आज के वक्त में यहां के संपन्न ब्राह्मण पालीवाल, पास में ही जगह पड़ती है पाली नाम की, वहां पे बसे हुए हैं। देश दुनिया के अलग अलग कोनों में संपन्नता के साथ जी रहे हैं और अपना जो गुजारा है वो कर रहे हैं। लेकिन जब आप जैसलमेर में जाएंगे तो वहां पर आपको सालिम सिंह की हवेली देखने को मिलेगी दोस्तों। और ये वही शालिवान जिसको कुछ लोग सालिम सिंह भी बोलते हैं और कुछ लोग उसको जालिम सिंह भी बोलते हैं, क्योंकि उसके एक डिसीजन से, उसके एक क्रूर, उसके एक अड़ियल बिहेवियर की वजह से 84 गांव को एक साथ एक ही रात में खाली कर दिया गया था। तो उन लोगों ने अपना सारा कीमती जो धन था, जिसको साथ में ले जा सकते थे, छोड़ सकते थे, कुछ यहां रहा, कुछ साथ में गया। लेकिन आप एक चीज को नोटिस कीजिए दोस्तों, भी मैं चल रहा हूं ना तो मुझे मेरे पैरों तक की आवाज भी आ रही है। और दिन के वक्त भी ये जो हिस्सा है ना, जितना ज्यादा सुनसान है, जितना ज्यादा शांत है, उतनी ही इसके अंदर एक अलग डरावनापन है। और इस डरावनेपन से, इस खौफनाक मंजर से हम इतना तो समझ पा रहे हैं कि कुल धरा में यदि आप आते हैं
तो आप इन खंडरों को इतनी दूर तक यदि देखने आएंगे तो आपको हिम्मत जुटानी पड़ेगी। आपने देखा होगा कि हम अपने कैमरे को हर दिशा में कर रहे हैं। उसके पीछे का कारण ये है कि हम सारी चीजों को भी कवर करें और आप लोगों को ये भी दिखा सके कि जिस अंत तक, जिस हिस्से तक हम अभी जा रहे हैं, वहां पे कोई भी सामान्य व्यक्ति नहीं जाता है। देखिए इधर दोस्तों, कितने शानदार आलीशान घर रहे होंगे ये, बहु मंजिला, द्वि मंजिला, सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी बिल्डिंग्स रही होंगी। लेकिन आज जिस प्रकार से पतझड़ के मौसम में पत्ते, घास सब सूख जाते हैं, उसी प्रकार से विगत वर्षों ने इसकी वो चमक को रूखा बना दिया है, इसकी उस चमक को बेजान कर दिया है। दोस्तों, अब हम थोड़ा यहीं से आगे की तरफ निकलेंगे। झाड़ियां काफी बढ़ चुकी हैं, ठंड का मौसम भी है। ये जो होल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लाइटिंग के लिए इस्तेमाल में आते थे। और थोड़ा एक बार आगे भी हम चलते हैं, यहां से कोशिश करते हैं बचते बचाते हुए। दोस्तों, की सूखी घास को देखकर भी है ना, मेरे को तो बहुत डर लग रहा है। पता नहीं कोई सांप बिच्छू ना निकल जाए इसके अंदर से। यार तो काफी दूर तक हमने हिस्सा देखा खंडरों का, और इन खंडरों के हिस्से से बाहर निकले जब हम, तो हम यहां पर एक खुला ग्राउंड देख पा रहे हैं। और इस खुले ग्राउंड के अंदर कुछ खासियत है दोस्तों, जिसको दिखाने के लिए मैं इसके बैक साइड वाले हिस्से में आया हूं। एक बार आप पीछे वाले हिस्से से भी कुल धरा के इन खंडहर, टूटे हुए घरों को देख लीजिए, जो एक वक्त पहले संपन्नता के सबूत थे। लेकिन आज वक्त की ऐसी मार पड़ी कि इनका वजूद ही मिट गया। अब चलते हैं आगे की तरफ। लोगों से बात करने के बाद पता लगा कि पहले यहां पर एक नदी बहती थी जिसका नाम था काक नदी, और उस काक नदी के साथ में ही काफी सारी यहां पे बावड़ियां, तालाब, पोखरे बनाए गए थे। और वो जो नदी थी वो इसी कुल धरा के बाहरी हिस्से से बहती थी। और यदि आप नजर को उल्टे हाथ की तरफ लेकर जाएंगे तो यहां से भी आपको काफी सारे खंडहर भाग जो हैं इसके देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, इनके खंडरों को देखकर ऐसा सच में लगता है कि यहां पर भूकंप वगैरह भी शायद आया होगा, कि जिसकी वजह से इतनी इसके ऊपरी जो भाग है वो टूट गए। लेकिन जब हमने कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत की तो हमें यह भी पता लगा कि अगर भूकंप आता तो ये शायद नीचे की जो दीवार है ये भी क्षतिग्रस्त हो जानी चाहिए थी, केवल ऊपरी भाग क्यों टूटा। तो इससे ना ये पता लगता है कि इनके ऊपरी वाले भाग पे लकड़ी और छानी लगाई जाती थी पहले के वक्त में। तो यहाँ के जितने भी स्थानीय लोग हैं, उन्होंने समय समय पर इनके ऊपरी हिस्से से वो जो लकड़ियां निकाल ली, बेशकीमती सामान यहां से लेके चले गए, छानी लेके चले गए, तो जिसकी वजह से इसका जो ऊपरी भाग है ना वो बिल्कुल खंडित हो गया। अब यहां पर यदि आप देखेंगे तो पूरे का पूरा जो हिस्सा है वो चारों तरफ से खंडरों में भरा हुआ है। इनमें जो ये पत्थर लगाए गए हैं दोस्तों, ये जैसलमेर के ही पत्थर है। और इसमें आप ये भी देखेंगे कि पत्थरों के अंदर ज्यादा सफाई नहीं है, यानी कि फिनिशिंग नहीं है। बस पत्थरों के ऊपर पत्थर रखकर उनके बीच के गैप को भरा गया है, और बीच में मसाले के तौर पर सिर्फ ये जो कच्ची मिट्टी होती है दोस्तों, उसको भरकर ही इसको मजबूती दी गई है। यदि आप मिट्टी को यहाँ से देख पा रहे हैं तो इससे पता लगेगा कि घरों के अंदर पक्का जो मसाला है वो इस्तेमाल नहीं किया गया। और इस वाले हिस्से से हम इस वीरान, खंडहर, सुनसान पड़े हुए कुलधरा गाँव की उस उजड़ को देख पा रहे हैं, जिसमें जहाँ पर भी नज़र लेकर जाओगे वहीं पर इसका वो सूखा इतिहास, दबा हुआ रहस्य आज हमें देखने को मिलेगा। अब देखते दोस्तों और क्या यहाँ पे रह गया जिसको हम एक्सप्लोर करेंगे।